नमस्कार दोस्तों, एक और छिपे हुए रत्न पुनर्कथन में आपका स्वागत है। आज हम पैराडाइज नामक फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए आराम से बैठें, सीसी उपशीर्षक चालू करें और वीडियो का आनंद लें। विक्टोरियन काल में सारा एक अमीर अनाथ है जो अपने नौकर जेफ्री के साथ बगदाद से दमिश्क की यात्रा कर रहा है। जब वे दोनों अलाजेस से मिलते हैं जो सारा के प्रति डरावना होता है और उसे सही रेगिस्तान का फूल कहता है, हबश उनका टूर गाइड अलाजिस को सारा को परेशान करने से रोकता है और उससे कहता है कि उन्हें अकेला छोड़ दो। अजीज उस लड़की को हबुश से खरीदने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि यह जानने की पेशकश भी करता है कि वह कुंवारी है, लेकिन हबुश ने उसे आक्रामक रूप से अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसमें ईमानदारी है। हबुश ने सारा और जेफ्री को अजीज से दूर रहने की चेतावनी दी क्योंकि वह एक प्रसिद्ध दास व्यापारी है। इस बीच मिशनरियों का एक बेटा डेविड दास व्यापार को होते हुए देखता है और एक नग्न लड़की को ढकने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में अजीज द्वारा उसकी पिटाई कर दी जाती है। डेविड और उसके माता पिता ने कारवां में से एक के साथ यात्रा करने की कोशिश की और सारा और जेफ्री उसी गंतव्य पर जा रहे हैं। आखिरकार वे कारवां में शामिल हो गए। कुछ यात्रा के बाद कारवां ने विश्राम किया। डेविड कुएं से पानी ला रहा है तभी उसने खूबसूरत महिलाओं को बेली डांस करते हुए देखा। इसके बाद वह सारा को कपड़े बदलते हुए देखते हैं। दोस्तों, ये बच्चा हॉर्मोनल है, जबकि कारवां के सदस्य सो रहे थे। डाकुओं के एक समूह ने सोते समय सभी का नरसंहार किया। पता चला कि यह अजीज और उसका बैंड था। डेविड के माता पिता मारे गए हैं और अजीज द्वारा सारा का पीछा किया जा रहा था जब डेविड ने उसे पानी से भिगो दिया जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। हबुश जेफ्री सारा को निर्देश देता है। डेविड को मारने से पहले कुएं के अंदर छिपना पड़ा। पता चला कि कारवां नेता ने उन्हें अजीज को बेच दिया और जब वह सारा को पहुंचाने में विफल रहा तो उसे भी मार दिया गया। डाकुओं के हंसने के बाद डेविड ने अपने माता पिता को दफनाया। उन्होंने पश्चिम की ओर बढ़ने का निर्णय लिया ताकि वे दमिश्क या अलेक्जेंड्रिया तक पहुंच सकें। डेविड को ताजा पानी मिलता है और वह रात में गुफा में आराम करता है। सारा मानव शरीर रचना विज्ञान की एक किताब पर हंसती है और डेविड कहता है कि नग्न तस्वीरें देखना पाप हो सकता है। सारा ने आदम और हवा को उत्तर दिया कि वे नग्न हैं और डेविड ने उत्तर दिया कि उन्होंने पत्तियां पहनी हैं। अगले दिन डेविड ने एक खरगोश का सफलतापूर्वक शिकार किया जब उसने सारा को नहाते हुए देखा। उन्होंने रात के खाने में खरगोश खाया। जब डेविड अगले दिन फिर से शिकार कर रहा था तो उसने लगभग एक मील दूर एक अरब शिविर देखा और जेफ्री को इसके बारे में बताया। जेफ्री का कहना है कि वह जाकर जांच करेगा कि क्या वे मित्रवत हैं। कुछ घंटे बाद भी जेफ्री वापस नहीं आया तो डेविड उसे देखने के लिए बाहर गया। डेविड शिविर में घुस जाता है और सारा का सामान देखता है जिससे पुष्टि होती है कि यह डाकू शिविर है। जब वह जेफ्री को उल्टा पड़ा हुआ देखता है तो वह एरो पर धनुष उठाता है। वह सारा के साथ भागने के लिए उसके पास लौटता है। वे यात्रा जारी रखते हैं जब वे एक मृत्यान पर ठोकर खाते हैं। उन्होंने कपड़े उतारे और स्नान किया, लेकिन हमारे लड़के डेविड के हार्मोन उग्र हो रहे हैं इसलिए सारा जानबूझकर शर्मीली हो जाती है। उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए पास में एक घर और अन्य वस्तुएं बनाई। जब उन्होंने एक चिंपैंजी को सारा का खाना खाते हुए सुना तो उन्होंने उस चिंपैंजी डॉक्टर का नाम लिया जो डेविड पर हंसता है जब वह तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा होता है। इस बीच सारा कपड़े धो रही होती है तभी उसकी नजर अपने सीने में वृद्धि पर पड़ती है। जब डेविड वापस आता है तो वह अपनी ब्रा ठीक कर रही होती है और डेविड से पूछती है कि क्या उसे कुछ करवा दिखाई देता है। क्या मैं देख सकता हूँ कि इस पुनर्कथन को देखने वाले लोगों के मन में केवल एक ही बात कड़वी हो रही है। डेविड ने सोचा कि उसका मतलब मोटा है जो उसे परेशान करता है। औरत सारा रात में उठती है, एनाटॉमी की किताब खोलती है और डेविड के एनाकोंडा को देखने के लिए उसके पास जाती है। वे करीब महसूस करने लगते हैं और अधिक कठोरता से खेलने लगते हैं। खेलने के एक दिन वे डॉक्टर चिंपांजी को अपने एनाकोंडा के साथ खेलते हुए देखते हैं और सारा हंसती है जबकि डेविड शर्मिंदगी के कारण उसे गोली मार देता है। डेविड अपनी तीरंदाजी में सुधार करना जारी रखता है। जब वह डाकुओं को दूर से देखता है तो वे सामान पैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सारा की लापरवाही के कारण ऊंट बच गए। वे छिपते हैं और शिविर में लौट आते हैं, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो जाता है। डॉक्टर चिंपैंजी एक मादा चिंपैंजी के साथ लौटा और उन्होंने उसका नाम ईव रखा। भागा हुआ ऊंट अपना सामान लेकर वापस लौट आया। डेविड और सारा मोटे तौर पर खेल रहे हैं जब हमारा लड़का अंततः अपने हार्मोन से नहीं लड़ सकता। सारा ने आश्चर्य से उसे अस्वीकार कर दिया। डेविड किताब को दोषी ठहराता है और उसे नष्ट करना शुरू कर देता है, फिर भाग जाता है। जब डेविड वापस आता है तो शिविर नष्ट हो जाता है और सारा को अजीज के पास लाया जाता है जो बहुत डरावना काम करता है। सारा ने मूर्खतापूर्वक सोचा कि अरब शिविर मित्रवत है क्योंकि उसके पास इंग्लैंड का झंडा था। डेविड डॉक्टर और ईव बचाव अभियान के लिए निकले जब उसे एक बिच्छू ने काट लिया। सारा डेविड के ठीक होने तक रोती रही और फिर उसने खुद को डेविड के सामने पेश कर दिया। वे हर दिन अधिक घनिष्ठ होते जाते हैं। अजीज उन्हें पकड़ लेता है और उनका पीछा करता है। डेविड आखिरकार उठ खड़ा हुआ और उस अजीज पर सफलतापूर्वक हमला किया जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने यात्रा जारी रखी और अंततः अलेक्जेंड्रिया पहुंचे। डॉक्टर और ईव ने जाने का फैसला किया और आखिरकार यह जोड़ा तैरकर सुबह हो गया।